हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मन्ना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप MTK ड्राइवर को जो है प्रॉपर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके फ़ोन में कौन सा IC लगा हुआ है, कौन सा चिपसेट का IC लगा हुआ, कोयल कम, MTK या SPD, ये तीनों ज़्यादा चलते हैं तो आप ये तीनों को कैसे पहचानेंगे कि आपके फ़ोन में, चाहे आपका कोई सा भी फ़ोन, उसमें कौन सा IC लगा है, आप कैसे पता लगाएं, और उसके बाद में आप फ्लैश कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में जो है आप MTK ड्राइवर को किस तरीके से इंस्टॉल करें, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, मेरा ये मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर MTK ड्राइवर का प्रॉपर इंस्टॉल कर लें तो आपका हर फ़ोन जो है ड्राइवर आपका हर फ़ोन जो है USB ड्राइवर से कनेक्ट लेता है, मतलब फ्लैश करने के लिए रेडी रहता है। आप कोई सा भी टूल से उसको फ्लैश कर सकते हैं बड़ी आसानी से। काफ़ी दिक्कत ये आती है कि दोस्तों, हम लोग फाइल टूल सब कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, जब फ़ोन फ्लैश करने जाते हैं तो हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट नहीं लेता और जो है वो फ्लैश नहीं होता। तो उसमें हमको ये जान लेना जरूरी है कि उस फ़ोन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस फ़ोन में कौन सा IC लगा हुआ है, MTK का, कोयल कम का या SPD का। इससे आपको पता लग जाएगा कि उसके उस फ़ोन में कौन सा USB ड्राइवर यूज़ करना है, कौन सा इंस्टॉल करना है, आपको इसमें प्रॉपर पता लग जाएगा और आप उसको इसी से फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में बहुत मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई है कि आप कहाँ से, कैसे, किस तरीके से डाउनलोड करना और किस तरीके से फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में मैंने फ्लैशिंग का तो प्रोसेसर नहीं बताया, सिर्फ आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल करना और कहाँ से डाउनलोड करना और आपके फ़ोन में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से बताया है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा ये सब के बारे में, जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है फ्लैशिंग, जो जीरो पे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, वो लोग चाहते हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी ही कोयल कम और SPD के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कोयल कम के बारे में चाहिए, SPD के बारे में चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस इतना ही। को इंस्टॉल करने के लिए आपको 3-4 फाइल को जो है प्रॉपरली डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो मैं आप लोगों के सामने 3 फाइल जो है डाउनलोड करके रखा हूँ, एक MTK ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर है, उसके बाद में एक एंड्रॉयड vcom ड्राइवर हो, उसके बाद एंड्रॉयड CDC ड्राइवर, ठीक है। MTK के लिए ये तीनों फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये तीनों फाइल प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका कोई सा भी फ़ोन जो है कंप्यूटर से डिटेक्ट नहीं करेगा और जो है वो फ्लैश के लिए तैयार नहीं होगा, मतलब फ्लैशिंग नहीं लेगा, ओनली चार्जिंग शो करेगा अगर आप उसको फ्लैश करने जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को तो मैं ये बता दूँ, ये तीनों फाइल आप डाउनलोड कहाँ से करें और कैसे करें, बहुत इजी मेथड है दोस्तों। आपको मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लिंक बराबर काम नहीं करता। अगर मैं आपको लिंक दे दूँगा, मैं बोलूँगा लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, कभी ना कभी 1-1.5 महीने के बाद लिंक प्रॉब्लम भी हो जाता है, कभी कभी वर्क नहीं। इससे अच्छे मैं आपको गूगल से डाउनलोड करना सिखा दूँ तो आपको हमेशा याद रहेगा। अभी फिलहाल कभी आपका भी अगर ख़राब हो जाए तो आप फिर से आप उसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर इंस्टॉल और इंस्टॉलिंग नहीं, डाउनलोड कहाँ से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में इसके बाकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम चले जाएंगे गूगल में। दोस्तों, गूगल में आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके फ़ोन में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। वो चिपसेट आप कैसे पता लगाएंगे, समझ लीजिए अगर हमारा फ़ोन वीवो है, माइक्रोमैक्स है, MI है, ओप्पो है, उस फ़ोन के अंदर कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, कोयल कम का है, SPD का है या MTK का है, कैसे पता लगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइक्रोमैक्स, ठीक है, माइक्रोमैक्स D321, ठीक है। और आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है CPU टाइप। जैसे ही आप यहाँ पे CPU टाइप लिख देंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देगा कि MediaTek का प्रोसेसर है, इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे MediaTek यहाँ पे दिखा रहा है, ये MediaTek का प्रोसेसर है। तो आप इस तरीके का कोई सा भी मॉडल जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं vivo Y53, ठीक है, Y53 चिपसेट अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसमें चिपसेट कौन सा लगा हुआ है। इसमें देखिए कोयल कम का चिपसेट लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से कोई सा भी फ़ोन का जो है चिपसेट पहले पता लगा लीजिए कि उसके फ़ोन में कौन सा चिपसेट है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं माइक्रोमैक्स के बारे में, मतलब MTK के बारे में। माइक्रोमैक्स बोलना गलती होगा क्योंकि MTK प्रोसेसर आजकल सभी फ़ोन में, वीवो में आता है, MI में आता है, कम से कम ओप्पो के कौन किसी न किसी एक मॉडल में
आ जाता है MTK का प्रोसेसर। तो फिलहाल तो आज MTK के बारे में बताया, नेक्स्ट हम क्वालकॉम नहीं तो SPD के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो हम गूगल में जाके सबसे पहले हमको लिख लेना है दोस्तों ड्राइवर के जो लिंक है वो आपको मैं यहाँ पे टाइपिंग करके दिखा देता हूँ, MTK USB ड्राइवर। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं MTK USB ड्राइवर विंडोज 7 64 बिट, विंडोज 8 64 बिट, 32 बिट, जो आपका बिट है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ MTK USB ड्राइवर बोल के सर्च कर देता हूँ। और देखिए सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अगर स्क्रॉल करूँगा तो सबसे नीचे मुझे लेटेस्ट वर्जन का जो है फाइल मिल रहा है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं आपको और एक ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप इजीली जहाँ से आप डाउनलोड कर सकें, आपको कहीं से भी किसी तरीके का भी आपको दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं मैंने इस जगह पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लगता नीचे आ गया, नहीं बराबर है। तो इसमें भी जो है प्रॉपर मेरे को फाइल नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट फाइल बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करने से प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मैं भी शायद गलती लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं कि आपको कौन सा लिंक के ऊपर क्लिक करना है। बहुत सारे तो लिंक यहाँ पे मिल रहे हैं, मगर आप वो सब डाउनलोड मत करने जाइए, क्योंकि आप चुपके टेंशन हो जाएंगे कि हम उसको इंस्टॉल कैसे करें। बहुत सारे जो आपको पता होगा कि इंटरनेट में सभी फाइल बराबर नहीं मिलते, बहुत सारे फाइल जो वायरस रहता है, बहुत सारे फाइल फेक रहते हैं, मतलब वो बराबर वर्किंग नहीं होते। तो इसके लिए हमको प्रॉपर जो है फाइल हमको यहाँ से ढूंढ के निकालना है। हम फिर से बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद में यहाँ पे लिखा है डाउनलोड मीडिया टेक MTK आल USB ड्राइवर विंडोज 7 और 8। इसको एक बार क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर कहाँ पर लेके जाता है। तो चलिए हम इस वाले वेबसाइट पे आ चुके हैं, इस वाले वेबसाइट पे हम नीचे करेंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखें यहाँ पे दो USB ड्राइवर आपको मिल रहा है। सबसे पहले वाला जो आपको मिल रहा है MTK ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर, तो आपको इस वाले को जो है डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 MB का फाइल है, तो हमको एक्चुअली ये डाउनलोड नहीं करना है। कैंसिल हो जाए भाई, डाउनलोड हो भी गया कैंसिल करते करते, चलिए कोई बात नहीं। तो हमको सिंपली जो है ऑटो इंस्टॉलर को हमको डाउनलोड कर लेना है MTK का, इस वाले ऑप्शन को पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। तो हम फिर से चले जाते हैं गूगल में, और गूगल में जाने के बाद में हमारा तो एक जो है ड्राइवर हमने डाउनलोड कर लिया है, और एक जो हमको ड्राइवर इंस्टॉल करना है जिसका हम लिखेंगे, चाहे तो हम लिख सकते हैं vcom ड्राइवर लिख सकते हैं vcom ड्राइवर। ठीक है, vcom ड्राइवर बोल के इंटर कर सकते हैं, उसके बाद में उसको भी चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं vcom USB ड्राइवर। ठीक है, और नहीं तो आपको अगर सभी फाइल अगर एक ही साथ में चाहिए तो आपको सबसे पहले जो है ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉलिंग है उसको मैंने जैसे बताया आप उस तरीके से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे जो है एक मॉडल नंबर मैं बता देता हूँ, माइक्रोमैक्स D321, मैं ऑलरेडी इसको सर्च करके ऐड करके रखा हूँ, इसके लिए फटक से आ गया। माइक्रोमैक्स D321 USB ड्राइवर को आपको क्लिक करना है, और सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब से मतलब जो सबसे ऊपर आएगा उसको पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे माइक्रोमैक्स D321 का मॉडल दिखाएगा, एक्चुअली ये हमको इस फ़ोन के लिए नहीं चाहिए, हमको इसका प्रॉपर USB ड्राइवर चाहिए जो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं CDC ड्राइवर मिल जाएगा, आपको vcom का ड्राइवर मिल जाएगा, और उसके बाद में AVD ड्राइवर भी मिल जाएगा। तो हम AVD ड्राइवर को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमने AVD ड्राइवर को डाउनलोड नहीं किया था। तो चलिए हमने यहाँ पे AVD ड्राइवर को भी डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे AVD ड्राइवर हो गया, vcom हो गया, उसके बाद में CDC ड्राइवर भी हो गया, और हमारा जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉलर ड्राइवर वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ से ये लेते हैं AVD ड्राइवर को, जो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, AVD ड्राइवर किधर है, ये रहा लेटेस्ट USB ड्राइवर, इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा देखिए 4 ड्राइवर हमारा प्रॉपर जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक तो है vcom ड्राइवर, CDC ड्राइवर, एक है vcom ड्राइवर, और एक है MTK ऑटो
ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर, उसके बाद में एवीडी ड्राइवर। तो हम यहाँ पे चाहे तो आप एवीडी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रीनेम करके एडीबी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली एडीबी है, मैं एबीडी बोल रहा हूँ, थोड़ा गलत ही बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडीबी यूएसपी ड्राइवर। तो यहाँ पे आ गया, हम तो चारों फाइल को जो है यहाँ से स्ट्रैक कर लेते हैं। तो फटाफट हम स्ट्रैक करते हैं, एवीडी हो गया, सीडीसी हो गया, वीकॉम हो गया, एमटीके ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर हो गया। तो चारों ड्राइवर को हमने जो है स्ट्रैक कर लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एमटीके ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमटीके ड्राइवर इंस्टॉलर, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। और आप चाहे तो कीपैड का कोई से, मतलब अपने कीबोर्ड का कोई से भी बटन दबा सकते हैं। तो मैं स्पेस बटन दबाता हूँ और यहाँ से जो है हमारा डाउनलोडिंग, मतलब इंस्टॉलिंग होना जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड है तो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरा इंस्टॉल इसके लिए नहीं हो रहा कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, इसके लिए इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो आप सिंपली जो है इसको यहाँ से इंस्टॉल कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है, कुछ प्रोसेस रहेगा, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड नहीं है जिसमें आपको कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। आपको सिर्फ क्लिक करना है, यस देना है और आपको कुछ परमिशन पूछेगा, जिस तरीके से मैंने सोनी के मतलब सोनी का एक वीडियो बनाया था यूएसबी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें, उसी तरीके से इसमें भी आपको सिर्फ यस यस करते जाना है और आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का ये कंप्लीट आता है, सर अगर हम इसको एमटीके को अगर ड्राइवर को अगर इंस्टॉल करते हैं तो हमको जो है कंप्यूटर डिवाइस में, मतलब मैनेज में जाके कंप्यूटर डिवाइस में जो हमको पोर्ट नहीं शो करता है, ठीक है। वो पोर्ट क्यों नहीं शो करता है अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऑटो इंस्टॉलर है, यहाँ पे आपको पोर्ट शो नहीं करेगा, मगर आपका फ़ोन अगर आप फ्लैश करने जाएंगे तो वो कनेक्ट ले लेगा, ये मेरी तरफ से 100% है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे आपको एमटीके यहाँ पे शो नहीं करेगा, मगर आपका फ़ोन जो है प्रॉपर कनेक्ट ले लेगा और फ्लैश के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे शो नहीं, अगर आपको शो कराना है इस पोर्ट के पास, अगर आपको एमटीके का नाम आना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको वीकॉम का ड्राइवर दिख रहा होगा, ठीक है। वीकॉम ड्राइवर जो है हमारे यहाँ पे विंडोज 7 और 64 बिट का यहाँ पे एक फाइल भी मिल रहा है, तो हमको ये क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद में देखिए एक्शन पे जाना है, ऐड हार्डवेयर पे जाना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल द हार्डवेयर को पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पे हैव डिस्क के ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर, उसके बाद आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वाले एरो से हम बैक जाएंगे, हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, न्यू फोल्डर 4 है था हमारा, उसमें देखेंगे वीकॉम ड्राइवर, ठीक है। वीकॉम ड्राइवर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, विंडोज 7 पे आएंगे, क्लिक करेंगे और हमारा 64 बिट है तो हम 64 बिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में सिंपली हम यहाँ पे ओके कर देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे एमटीके का बहुत सारे पोर्ट आ गया। तो हम पहले वाले पोर्ट को ही सेलेक्ट करके और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जब हम नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्टॉलिंग का कुछ परमिशन पूछेगा, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए बस। अगर आप चाहे तो एमटीके का जो है मैंने ऑटो इंस्टॉलर बताया हुआ, अगर वो आप नहीं करते तो आप इसको भी चाहे तो कर सकते हैं, ये भी आपका जो वर्किंग करेगा। इसके लिए आपको भी उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, आप चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बताना सही है, क्योंकि अगर एक मेथड काम नहीं करेगा तो दूसरा मेथड भी आपका काम कर सकता है। तो फिनिश हो चुका है, हम यहाँ से फिनिश करते हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पोर्ट बन चुका है एमटीके का। अगर आप फ़ोन को अभी फ्लैश मोड पे अगर फ्लैश करने जाते हैं, फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, तो आपका फ़ोन जो है प्रॉपरली कनेक्ट ले लेगा, फ्लैशिंग के लिए रेडी है। तो हम इसको अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं, फिर से न्यू फोल्डर 4 को ओपन करते हैं। तो हमारा सीडीसी ड्राइवर जो है किस काम में आता है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बता दूँ, सीडीसी ड्राइवर एक्चुअली जो है ये इस काम के लिए आता है। वीवो का फ़ोन होता है, जैसे वीवो का जैसे हो गया Y83, Y81, Y85, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। सीडीसी ड्राइवर इसके लिए काम आता है कि आप उस टाइम में जो है आपका फ़ोन प्रॉपरली
कनेक्ट नहीं लेता तो आपको सीधे से ड्राइवर इंस्टॉल करना काफ़ी ज़रूरी है, तब आपका फ़ोन जो है कनेक्ट लेगा। एंड्रॉयड मोबाइल में जो स्क्रीन टच का जो लॉक लग जाता है, मिराकल से अगर हम खोलने जाते हैं तो फ़ोन कनेक्ट नहीं लेता, उसके उस टाइम पे हमको ये सीधे से ड्राइवर का बहुत ज़रूरत होता है। तो सिंपली हम इसको भी इसको इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। डायरेक्ट आप चाहे तो इस पोर्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके एक्शन के ऊपर जाना है, जाने के बाद में ऐड हार्डवेयर पे जाना है, फिर बाद में नेक्स्ट करना है, सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, हैप्टिक्स के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज करना है, ब्राउज करने के बाद में आपका जो फाइल था जहाँ पे था वहाँ पे आपको चले जाना है, जैसे हमारे न्यू फोल्डर 4 में है तो CDC ड्राइवर यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पहले वाले ऑप्शन जो है एंड्रॉयड गैजेट CDC ड्राइवर है उसके ऊपर क्लिक करके सिंपल यहाँ से ओपन करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। बस इतना सा ही काम है, ये भी हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमारा जो और एक जो टूल जो बाकी है वो आ गया हमारे ABD ड्राइवर, ठीक है। दोस्तों ABD ड्राइवर हमको किसके लिए जरूर, सॉरी दोस्तों इसमें ABD ड्राइवर जो है प्रॉपर नहीं आया, ये फाइल गलत आ गया, मैं आपको गलत आइडिया नहीं दूंगा कि नहीं मैंने बराबर डाउनलोड किया, ऐसा नहीं बोलूँगा, ये मेरे पास गलत फाइल आ गया। तो ABD ड्राइवर आपको कब ज़रूरत पड़ता, मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे आपने वीवो का फ़ोन देखा होगा, ओप्पो का शायद फ़ोन आपने देखा होगा, चाहे वीवो का भी देखा होगा, कि ABD के लिए अलग से एक टूल आता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको ये वीवो का मैं एक टूल दिखा देता हूँ ओपन करके, यहाँ पे है तो यहाँ से यस करता हूँ। तो देखिए इस तरीके का एक टूल आता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पैटर्न लॉक जो है यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक टूल आता है, थोड़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, इस तरीके का टूल आता है। आपको क्या करना पड़ता है, अपने फ़ोन को जो है वॉल्यूम डाउन बटन दबा के ABD मोड पे लेके जाना पड़ता है और उसके बाद में इस जगह पे पोर्ट के ऊपर जो नंबर आता है नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है फ़ोन को ABD मोड पे ले जाने के बाद। इसके आपके कोई सा भी मॉडल होगा तो उसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे लॉक खोलने के लिए। तो इस तरीके का आपको टूल मिलता है, तो यहाँ पे एक पोर्ट में नंबर आएगा, यहाँ पे 7 जैसे 6 5 है, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 20 नंबर आ सकता है, 25 नंबर आ सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 25 नंबर जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप इंटर करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो जो आपका फ़ोन का जो है लॉक भी खुल जाता है। तो उसके लिए जो है आपको ABD ड्राइवर मेन इंपॉर्टेंट जो है डाउनलोड मतलब इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी जो है ये मेथड काम करेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी फ़ोन में काम करता है, बहुत सारे फ़ोन में जो ये मेथड भी काम कर जाता है। तो इसके लिए जो हमारे ABD ड्राइवर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और ABD ड्राइवर एक्चुअली जो है MI फ़ोन के लिए है, बहुत काफ़ी है, नोट 4 नोट 3 ये सब का अगर लॉक हटाना है, ठीक है, अगर तो स्क्रीन लॉक है वो सब हटाने के लिए ABD ड्राइवर का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो ABD ड्राइवर जो भी आप बहुत इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम सिंपली जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे तो यूनिवर्सल यूएस ABD ड्राइवर लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे ABD ड्राइवर तो हमने यहाँ पे लिख दिया ABD ड्राइवर, तो फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में हमको दिख रहा है ABD ड्राइवर, तो हम इसके ऊपर चाहे तो क्लिक करके यहाँ से नॉट फाउंड बता रहा है, फिर हम दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि ABD ड्राइवर काफ़ी जगह पे मतलब ABD ड्राइवर ना कोई सा भी ड्राइवर बहुत सारे वेबसाइट में आपको गलत गलत मिल जाएंगे। तो हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं MTK ABD ड्राइवर, इसके ऊपर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको लिंक मिल जाएगा शायद, लग रहा है प्रॉपर लिंक, आपको थोड़ा आराम से देखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी जगह पे कहाँ पे लिंक देके दिया हुआ रहता है पता नहीं चलता है फटाक से। तो हम अभी थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोडिंग 15 सेकेंड ABD इंस्टॉलर, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं अभी,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लेटेस्ट वर्जन का जो है आपको एवीडी ड्राइवर मिल रहा है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एवीडी ड्राइवर भी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे एवीडी ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और ये काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा एमबी का नहीं, 10 MB का फाइल है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड एक बार होने देते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से एवीडी ड्राइवर आप अभी से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एवीडी ड्राइवर हमने यहाँ से ले लिया, शो दिस शो इन द फोल्डर क्लिक किया। आपको काफ़ी सारे अलग अलग नाम मिल सकते हैं तो हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, कट करके और हम इसको भी बंद कर देते हैं। इस टूल के बारे में मैं हमने आपको बता दिया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ से स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक करने के बाद में सिंपली जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे यस देना है। यस देने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ पॉपअप ओपन होगा। सिंपली यहाँ पे देखिए एवीडी ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे वाई लिखना है, वाई लिख के इंटर दबा देना है, फिर से आपको वाई लिखना है और आपको इंटर दबा देना है। बस आपका जो है एवीडी ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई दबाना है और इंटर दबाना है। यहाँ पे कुछ पॉपअप खुल गया, हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे जो है इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुका है। बस इतनी सी बात थी, जो है हमारे एवीडी ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आता है एवीडी ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर कोयल का मैं एसपीडी के बारे में बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से और भी अच्छे तरीके से दूसरे एवीडी ड्राइवर का आपको लिंक दे दूंगा। तो बस फिर दोस्तों आप लोगों ने अभी समझ चुके होंगे कि MTK ड्राइवर को हम किस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल करें और कहाँ से इंस्टॉल करें, कैसे डाउनलोड करें। तो आपको आपने इजी तरीके से आपने अभी समझ, वीडियो में बोलना चाहूँगा दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन गया होगा मगर मेरा काम था आपको स्टेप से बताना, स्टेप बाय स्टेप बताना। तो फिलहाल बस वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं क्योंकि इसका काम जो है ड्राइवर का काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने ड्राइवर को प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल भी कर दिया है, यहाँ पे दो ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कोयलकम और एसपीडी का, जो एक ही साथ में वीडियो बनाओ नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा फटाफट थोड़ा आप लोगों को बताने के लिए। तो अगर दोस्तों आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे।